केदार घाटी में नए हेलीपैड के निर्माण पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके जम्मू में हेलीपैड का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके निर्माण कार्य चल रहा है। केदार घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति के हेलीपैड का निर्माण करना गंभीर सवाल खड़े करता है। रुद्रप्रयाग जिले के जामू क्षेत्र में पिछले एक साल से हेलीपैड का निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस निर्माण का पहले तो प्रशासन को पता ही नहीं था, लेकिन जब शिकायत की गई तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन का दावा था कि हेलीपैड निर्माण कार्य रोक दिया गया है। DM रुद्रप्रयाग मंगेश घिल्याल ने निर्माण को सीज करने की बात भी कही थी। आप वीडियो में खुद भी देख सकते हैं कि हेलीपैड का निर्माण कार्य किस तरह धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन उसे रोकने की जिला प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके चलते ही निर्माण को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण को कोई रोक नहीं पा रहा है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करते हुए DM रुद्रप्रयाग ने कहा कि वहाँ हेलीपैड का नहीं बल्कि कॉटेजों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज़, रुद्रप्रयाग।